इडियट, आंख मारता है। अंधे को किसने मारा? गरीब अंधे को किसने मारा? अंधा गरीब। कौन? एयर हॉस्टेस मैडम, अंधा तो पहले ही मरा हुआ होता, फिर क्यों मार रही हो? आप अंधे हैं? ओह ये भगवान, ये मैंने क्या पाप कर दिया। प्राण जी, आप सर आंटी जी के पास बैठे, मैं इनसे माफी मांग लूं। ओह श्योर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सख्त गलती हो गई। दैट्स ऑलराइट मैडम, देश की सेवा करते करते मैं अपनी आंखें खो बैठा और देश वाले बजाय मेडल के थप्पड़ दे रहे हैं। आप फौज में थे? जी हाँ, हम फौज में थे और दुनिया वाले मौज में थे। ओह, एस्ट्रे यहाँ है। आपसे मिलकर ऐसे लगता है जैसे मुझे मेरी बिनाई, मेरा मतलब है मुझे मेरी आंखें मिल गईं। आपसे भी मिलकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई मकसद मिल गया हो। बस अब एक ही तमन्ना है, किसी तरह आपकी आंखें आ जाएं। आपने कभी अपना इलाज नहीं कराया? इलाज करवाने की मैंने बतेरी कोशिश की लेकिन हो न सका। क्यों? इसके इलाज के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर है, मगर वो हजारों रुपए फीस मांगता है और वो बिजी भी बहुत है। आपने देश के लिए अपनी आंखें दे दी, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसको आपसे हमदर्दी ना हो? उसे तो आपका इलाज फ्री करना चाहिए। आप ठीक कहती हैं। आप मुझे उसका नाम बताइए। नाम? उसका नाम आई वाला है। आई वाला? हाँ, पाटली वाले का छोटा भाई। और एड्रेस? एड्रेस वैसे तो वो दिल्ली में रहता है लेकिन वो वहां नहीं है, सुना है किसी पहाड़ पर गया है। वो तो अपना पता भी किसी को नहीं बताता क्योंकि मुझ जैसे हजारों अंधे उसे इलाज के लिए परेशान करते हैं। मैं उसका पता मालूम करके ही छोड़ूंगी और उसे आपका इलाज करना ही होगा। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ और दिल्ली ट्रंक कॉल करके डॉक्टर आईवाला का पता करूंगी। चलिए। अंधा बन गया? डॉक्टर आई वाला, मुझे करोड़ों की परवाह तो नहीं, ये मंगनी तो मैंने आपको हुक्म मानकर की थी। मजा आ गया, भतीजी हो तो ऐसी, शादी के बाद तू मुझे इतनी दुआएं देगी कि मजा आ जाएगा। साहब मजा किरकिरा हो गया। मजा आ गया, क्या हुआ? आंटी थिएटर से 3 टिकट लेने के लिए गया था। हाँ। लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 ही मिले, अब तो सिर्फ सोनी और मैं ही जा सकेंगे। मजा आ गया। आंटी जी, मेरे ख्याल में आप और प्राण बाबू थिएटर चले जाइए। मजा आ गया, मैं भी तो यही कह रही थी। साहब मजा किरकिरा हो गया, मगर क्यों? मुझे दिल्ली ट्रंक कॉल करना है डॉक्टर आई वाला को। उसी अंधे के लिए? प्राण बाबू, आंखें बड़ी नियामत है, अगर ये नियामत हासिल करने में किसी की मदद की जा सके तो हमें उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारी हमदर्दी ने तो मेरे दिल में भी दर्द भर दिया है। आंटी जी, जी मेरे ख्याल में आप प्राण बाबू के साथ थिएटर चली जाइए। मजा आ गया। सब मजा किरकिरा हो गया। क्या कहा? आंटी तुम्हारे आने की वजह से नहीं, दुनिया के न जाने की वजह से। आओ चलो। एक मिनट, सब ठीक है ना? चलो। मजा आ गया, क्या बात है प्राण बाबू। आंटी मैं शायद कमरे में बटुआ भूल आया। हाँ? आप नीचे चलिए, मैं अभी आया। जरा जल्दी आना। हाँ? मजा आ गया। मैं हूं सोनिया का मंगेतर प्राण। महेश साहब, ये आप सोनिया की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं जब आपको कुछ नजर नहीं आता? प्राण साहब, भगवान भी तो नजर नहीं आते लेकिन हम फिर भी उनकी मूर्ति घर में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं। आइए प्राण साहब,
बैठिए। आप कैसे आए? आपको देखने चला आया। सोनिया पर तो सिर्फ आजकल आपकी धुन सवार है। बड़ी प्यारी बच्ची है। प्यारी? जी हाँ, प्यार वाली। जिसे प्यार नहीं करना चाहिए उसे भी प्यार करती है। प्राण बाबू, आप चले गए क्या? जी नहीं, यहीं हूं। तो फिर चुप क्यों है? बैठिए ना। जी नहीं, फिर कभी आऊंगा। आप आराम कीजिए। ये फूल मेरे लिए लाए थे क्या? आपने कैसे देखा कि मेरे पास फूल हैं? प्राण बाबू, अंधे की आंखें नहीं होती, पर उसके कान और नाक बहुत तेज होते हैं। मैंने खुशबू से फूलों को पहचाना। जी हाँ, आप ही के लिए लाया था। ये लीजिए। लाइए। ये इधर। बहुत बहुत शुक्रिया प्राण बाबू। वाकई प्राण बाबू, आप सोनिया के मंगेतर होने के काबिल हैं। जिस आदमी की शादी सोनिया से हो रही है वो न सिर्फ दिल का बल्कि सूरत का भी यूसुफ होगा, दिलीप कुमार होगा। लाइए जरा मैं अपने हाथों से आपका हंसी चेहरा टटोल लूं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत कान है। ये कान नहीं है, नाक है। तो फिर कान कहाँ? कान ये। आह, मजबूत है। खींच क्यों रहे हो? प्राण बाबू, कुत्ते और आदमी की नस्ल कान खींच कर ही पता चलती है। वाकई आप खानदानी हैं। जरा मुंह दिखाइए। ओहो, आप मूछें भी रखते हैं। जरा दांत तो देखो। ठीक, क्या बदतमीजी है। यस, डॉक्टर आई वाला। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर आई वाला बोल रहा हूँ। क्या है? मैं यहाँ काम करने नहीं आया, सैर करने आया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा भाई अंधा है तो क्या हुआ? तुम्हारा बाप भी अंधा हो तो मैं इलाज नहीं करूंगा। डोंट डिस्टर्ब मी, इडियट। डॉक्टर आईवाला, आपको मेरा नाम किसने बताया? वो डॉक्टर साहब। मैंने आपको बैठने के लिए कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैं जानता हूँ क्या जरूरी काम है। आपका भाई अंधा है या माँ अंधी है या बाप अंधा है, और आप चाहती हैं कि मैं उसका इलाज करूँ? जी नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। ओ, तो प्रेमी है? जी नहीं, उनका मुझसे हमदर्दी और इंसानियत के सिवाय कोई रिश्ता नहीं। ओ, तो यानी आप सोशल वर्कर है, दुनिया का दुख नहीं देख सकती? ये भी नहीं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, और अगर किसी की मदद हो सके तो वो मेरा फर्ज है। तो आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। और इस वक्त मेरा फर्ज है काम न करना, आराम करना। काम हराम है, प्लीज गो। देखिए डॉक्टर साहब, उस शख्स ने देश के लिए अपनी आंखें दे दी है। आप क्या ऐसे देशद्रोही हैं कि उस आदमी की मदद भी ना करेंगे? भाषण हो चुका, नाउ प्लीज गो अवे। सुनिए, मैं अपने जमीर को एक अबला के आंसू में डूबता हुआ नहीं देख सकता। अपने आदमी को कल इस एड्रेस पर लाइए। ये मेरे एक दोस्त की डिस्पेंसरी, मैं उसका इलाज करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप देखता हैं। सोनिया, प्लीज। यस, डॉक्टर आई वाला ने हमें बुलाया था। ओह यस यस, प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन वेयर? हियर हियर मिस। डॉक्टर बाजवा अपने रूम में दूसरे पेशेंट को देखता है। प्लीज हेल्प मी। ये डॉक्टर आए वाला है या डॉक्टर कुत्ते वाला? कुत्तों के पट्टे से मुझे बांध रहा है। ये क्या है? अरे अरे अरे, क्या कर रहा? ये आवाज कैसी? ये कुछ नहीं, पेशेंट चिल्लाता, तुम बैठो। पेशेंट चिल्लाता, ये दवाखाना है या पागलखाना? डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ।
अब डॉक्टर नहीं है, अब मसीहा है, खुदा है। अच्छा अच्छा तुम जाओ, हमको दूसरा मरीज देखने का है। बाबा बाबा बाबा, हाँ बाबा, क्या डॉक्टर है, मैं जन्म का अंधा था, 24 घंटे के अंदर उसने मेरी आंखों में रोशनी दे दी। देखिए मैं सब कुछ देख सकता हूँ। गुड लक, गुड लक भाईजान, गुड लक। सोनिया नहीं श्याम, देखा तुमने? मैं तो अंधा हूँ, कहाँ से देखूंगा। मेरा मतलब सुना तुमने, डॉक्टर साहब तुम्हारी आंखें भी ठीक कर देंगे। बोलो डॉक्टर साहब आ गया। कहाँ है? नहीं सोनिया, देखो मेरी। डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब क्यों आए? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सोनिया, ये डॉक्टर है या कसाई? कसाई नहीं मेरे भाई। बिठा दे, मेरा सोनिया, मेरा सोनिया नहीं, मेरा सोनिया, सोनिया मर गया, मर गया। यस डॉक्टर। इसकी आंखों में डालने के लिए लाल मिर्ची का तेजाब लाओ। लाल मिर्ची का तेजाब आंखों के लिए क्या? आंखों का अचार डालने वाले हो डॉक्टर? डॉक्टर उससे तो आंखों में बहुत दर्द होगा। अगर दर्द होगा तो इसका मतलब है कि आंखों में दम है। अरे दम क्या डॉक्टर, तुम तो दम निकालने वाले हो। डॉक्टर नर्स, पेशेंट को लिटा दो। अरे नहीं नहीं नर्स, इधर ही लिटा दो। मेरी माँ, मेरी माँ, ऑपरेशन, मेरी माँ, मेरी बहन, ऑपरेशन में हम। अरे कोई है? है है है। अरे कोई है? है। जो बेटा बाप से चालाकी। पिताजी एक बार और माफ कर दे यार। शट अप। सोनिया, सोनिया, मिर्ची का ताज। सोनिया, वेरी गुड फॉर ब्लाइंड आई। सोनिया डॉक्टर ये तो बेहोश हो गया। इसी तरह इसका आंख होश में आएगा। नर्स अब देखो इसको 24 घंटे के लिए डार्क रूम के अंदर बंद कर दो। डार्क रूम में बंद करोगे तो मुझे दिखाई कैसे देगा? अबे तुम तो अंधे हो, तुम्हें अंधेरा क्या और उजाला क्या? और नर्स खाने के लिए मेंढक, चूहे और छछूंदर, मगर जिंदा। जिंदा? वो तो मेरे पेट में गुदगुदाएंगे। अरे दैट इज वेरी गुड फॉर ब्लाइंड आई। चलिए आप घर से बात कीजिए। कीप साइलेंट।